भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले कुछ समय से लगातार बुरी तरह से प्रभावित है। भारतीय बाजार में चल रही गिरावट को देखकर लगता है कि ये भविष्य में भी जारी रहेगा। अभी हाल ही में सभी कार ब्रांड ने जून 2019 के बिक्री रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है, जिनमें टॉप ब्रांड भी कुछ खास सेल नहीं कर पा रही। इन रिपोर्ट पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा बिक्री में असर मारुति की गाड़ियों में देखने को मिला, जो पिछले 3 महीने से लगातार गिर रही हैं। हालात ये हैं कि मारुति की सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियां ऑल्टो और वैगनार की बिक्री भी लगातार गिर रही है। हालांकि कंपनी ने ऑल्टो को नए सेफ्टी फीचर्स और BS6 इंजन के साथ पेश तो किया, लेकिन गाड़ी की कीमत बढ़ गई, जिसके चलते इसकी डिमांड में गिरावट आ गई। वहीं दूसरे मॉडल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हर्ष हुआ, कीमत बढ़ने से मांग में कमी देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें कोरियाई ब्रांड ह्युंडई मोटर्स की, तो भारतीय बाजार में इस ब्रांड का प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं रहा। ह्युंडई मोटर्स ने भी जून 2019 की बिक्री में गिरावट दर्ज की। हालांकि वेन्यू की बिक्री में इजाफा हुआ तो बाकी गाड़ियों की सेल प्रभावित रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जून 2019 में कुल 42,547 यूनिट्स की बिक्री की है। इसकी तुलना अगर जून 2018 से की जाए तो इस महीने कंपनी की कुल 45,155 यूनिट्स की बिक्री हुई थी, यानी महिंद्रा कार्स की बिक्री में 6% की गिरावट आई है। वहीं अगर घरेलू बाजार की बिक्री में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स भारत में एक प्रमुख प्रीमियम कार ब्रांड है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रही मंदी से प्रभावित होने से नहीं बच पाया है। जापान की कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने जून 2019 में भारतीय बाजार में 19% की गिरावट दर्ज की है, जबकि कंपनी ने पिछले साल जून 2018 में 13,088 यूनिट की बिक्री की थी और इस बार 10,603 यूनिट की ही बिक्री की है। होंडा की गाड़ियां कार इंडिया होंडा कार भी ऑटोमोबाइल मंदी से प्रभावित है। होंडा ने पिछले महीने जून 2018 के मुकाबले बिक्री में गिरावट दर्ज की है। कंपनी ने जहां जून 2018 में 17,602 यूनिट की बिक्री दर्ज की थी, वहीं 2019 में 10,314 यूनिट की बिक्री के साथ 41% कम बिक्री दर्ज की है। शायद यही कारण है कि वाहन निर्माता कंपनियां इन दिनों अपनी सेल को बढ़ाने के लिए जमकर डिस्काउंट दे रही है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।